तो सब गोराम राम भाई। हो फुले आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भाई काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेज आ रहे थे मेरे फ्रेंड्स के भी, और वैसे भी जब मैं जैसे वीडियोस डालता हूँ तो उन पे भी। अब बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि शॉर्ट्स जो मैं डाल रहा हूँ, जो मेरे 75 वाट चल रहा है, उसका कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा है हमें। इस तरीके की बात भाई मेरे दोस्त मेरे से कर रहे हैं, और भाई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी भाई यही चाह रहे हैं कि थोड़ी लंबी वीडियोस में डालूं, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और जो फ़ायदे मुझे हुए हैं भाई उनको भी हों। तो भाई आज का दिन मेरे को ठीक लग रहा था, मतलब मेरे को 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि मैं डालूं वीडियोस स्टार्ट करूं, लेकिन पीछे 2-3 दिन थोड़े से एक्टिक थे तो इसीलिए हो नहीं पाया। कोशिश करूँगा मैं कि डेली जो है आपको एक 15-20 मिनट की एक जो डेली व्लॉग टाइप होता है वो मैं आपको दिखाऊं, और उसमें आपको बताऊं मैं थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में और हेल्थ के बारे में भी, और जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैसेज आते हैं मेरे को, उनको भी मैं भाई आपको थोड़ा सा खुल के बताऊं, क्योंकि मैसेजिंग में उतनी क्लियरली बात हो नहीं पाती है। तो जब भी जैसा भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज को भाई सॉल्व करने की, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपकी हेल्थ को भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं इम्प्रूव कर सकूं, भाई जैसे मेरी हेल्थ हुई है। जो भाई लगातार मेरे टच में है उनको पता है कि मेरा जो 75 वार्ड है उसके 300 दिन पूरे हो चुके हैं अभी 2 दिन पहले ही, और भाई जर्नी ये जो है बहुत ज़बरदस्त रही है। पहले जब 200 दिन हुए थे तब भी मैंने, और बीच बीच में भी मैंने वीडियोस डाली हैं, उनमें मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से इस प्रोग्राम ने जो है मेरी हेल्थ को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दिया है। और दूसरी चीज़ कि जो मुझे लगता था कि भाई जिमिंग कर लो, वेट ट्रेनिंग कर लो, करता था मैं पहले, करता था आउटडोर ट्रेनिंग, लेकिन काफ़ी काफ़ी सालों से मैं जो बाहर खुले में रनिंग होती है ये नहीं कर रहा था। ट्रेडमिल पे मैंने बहुत की है, 75 वार्ड स्टार्ट होने से पहले भी मैं 10-10 किलोमीटर भी दौड़ा हूँ और भाई उसके भी अपने अलग बेनिफिट हैं, लेकिन वो जो बेनिफिट हैं वो लिमिटेड है। उसके लिए आपको जो आउटडोर ट्रेनिंग है, जो रोड रनिंग है या पार्क में जाके आप रनिंग करते हो, उसकी बराबरी ट्रेडमिल कभी नहीं कर सकती। ये चीज़ मेरे को समझ में आई और ये है भी। तो एक्सरसाइज के बारे में भी यही, अभी मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है भाई, बचपन का ही मेरा दोस्त है, बहुत कम यार दोस्त है मेरे, गिनती के ही हैं अगर मैं बताऊँ तो। जान पहचान और बोल चाल सब सही होती है, लेकिन जो हमारे खास दोस्त होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी उससे बात हो रही थी, सुरेंद्र मेरा भाई है, बड़ा है, तो उससे मेरी बात हो रही थी। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई जब तेरे को इतना पता है सारी चीज़ें और इतने दिन से एक्सरसाइज के अंदर है तू, तो थोड़ा खुल के बता लोगों को ताकि उनको बेनिफिट हो इस चीज़ का। तो मेरे को भी लगा कि हाँ भाई सही कह रहा है, क्योंकि शॉर्ट्स में तो एक एक मिनट के शॉर्ट में आप कितना बता लोगे। मैं सिर्फ अपना जो लाइफ स्टाइल है पूरे दिन का, जो मेन मेन बातें हैं, मेन मेन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और 1 मिनट तो भाई 1 मिनट होता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिखा सकते हैं। तो भाई सुरेंद्र आपके लिए भी आपकी एडवाइस से ये काम मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि औरों की भी मैसेज आए, कॉल मेरे को आती रहती हैं, मैसेज आते रहते हैं, वैसे भी पर्सनली बात बातें होती रहती हैं, लेकिन किसी के साथ आप कितनी बात कर लोगे। एक शॉर्ट टाइम होता है ज़्यादातर जिमिंग के टाइम में। अब कल एक भाई है जिम में, वो बात कर रहा था मेरे से, और बात हमारी हुई 10-15 मिनट हुई, हेल्थ के ऊपर ही हुई, थोड़ी कैरियर के ऊपर हुई, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज है कुछ कुछ चीज़ों को लेके। तो ज़्यादा बात उससे मेरी हो नहीं पाई, और जो डायलेमा भाई उसका है वो ज़्यादातर लोगों का होता है, कॉमन प्रॉब्लम्स ही होती हैं हमारी सबकी, बस बात ही है कि हम उनको टैकल कैसे करते हैं। तो यही बातें हैं। तो
ज़्यादा से ज़्यादा मैं उससे मुश्किल से 10 मिनट ही बात कर पाया, क्योंकि भाई मेरे को भी एक्सरसाइज करनी थी और मैंने उसको कहा कि भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ किसी दिन आराम से, फिर बैठेंगे और कहाँ टाइम लगता है, फिर ऐसा ही होता है। तो कुल मिला के बात यह है भाई, बड़े व्लॉग्स आज से स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज भी थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, और जो पांचों चीज़ें फिटनेस के लिए ज़रूरी हैं उन पांचों पे हमारा फोकस रहेगा। आपने देखा होगा जो इंस्टा पे या कहीं भी आप वीडियोस देखते हो, लोगों का फोकस एक ही चीज़ पे होता है, या तो कोई योगा कर रहा है तो योगा ही कर रहा है, जिम कर रहा है तो सिर्फ जिम ही कर रहा है, रनिंग में है तो सिर्फ रनिंग कर रहा है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके पांच पांच चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, शुरू में ही बताई थी मैंने, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन, ये पांच चीज़ मिलके ही हमारी ओवरऑल फिटनेस बनाती हैं। तो हमारा फोकस जो है इन पांचों चीज़ों पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक चीज़ पे। तो इन पांचों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे हम, और अपनी ओवरऑल जो फिटनेस है, जो एक डेली लाइफ में हमारी फिटनेस होनी चाहिए, जिससे कि हमें बीमारियां कम से, हमारा मोटिव क्या है फिटनेस को मेंटेन करने का, मैं अपना बता रहा हूँ भाई मेरा मोटिव क्या है। सबसे पहला मोटिव तो हर किसी का यही होता है कि हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अच्छे दिखें, दूसरी चीज़ कि आपको बीमारियां कम से कम लगें, तीसरी चीज़ जो आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है थोड़ी जान शरीर में होनी चाहिए, ताकि आपको थकान जो है कम से कम हो, जो भी आपके डेली के काम हैं आप आराम से अपने उनको निपटा लें बिना थके हारे। तो ये हमारा मोटिव होता है फिटनेस का, और इसी पे हमें फोकस करना है, और बाकी तो फिर बाय प्रोडक्ट हैं। कोई कहता है मेरे को एब्स दिखाने हैं, कोई कहता है मेरे को बड़े बाइसेप्स चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हमें ओवरऑल पूरी अपनी बॉडी की एक जो पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है उस पूरे पे ही ध्यान देना होता है, एक सिमेट्री होती है बॉडी की। कईयों को देखा होगा ऊपर से इतने स्ट्रोंग होते हैं, लेग्स उनके इतने वीक होते हैं, तो देखने में भी बहुत अजीब लगते हैं। तो एक सिमेट्री होती है बॉडी की जो कि हमें मेंटेन करनी है, और वो तभी होगी जब हम सभी पार्ट्स की एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से, और साथ में जो बाकी चीज़ें हैं जैसे स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन पे भी हम फोकस करेंगे, ताकि एक्सरसाइज के दौरान हमें कम से कम चोट लगें। तो भाई सुबह की रनिंग तो मेरी आज की हो गई है, अभी कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सुबह जल्दी उठूं। तो अभी आजकल जो मेरा रूटीन चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा लेट हो जाता है उठने में, क्योंकि भाई देखो चाहे कोई कितना ही कह ले, मैं चाहे कितने डेडिकेशन की बात कर लूँ, लेकिन नींद हर किसी को अच्छी लगती है। ये आपको थोड़ा सा जो त्याग है जो करते हो आप, उठ ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है, और एक कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखनी पड़ती है एक्सरसाइज में। तो ये है, बाकी हर किसी को आराम पसंद है, एसी में रहना पसंद है, आरामदायक लाइफ जो हर किसी को पसंद है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आराम के टाइम पे आराम भी कर रहे हो, और लेकिन एक्सरसाइज आपको दिन में 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज के लिए निकालना है, जैसी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। लेकिन साथ में अभी कल ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसने काफ़ी टाइम से जिम छोड़ दिया था, तो भाई वेट उसका बहुत गेन हो गया, और वो सिर्फ उसका क्या काम है, वो आता है भाई और ट्रेडमिल पे चढ़ जाता है, और भाई 1 घंटा 1.5 घंटे तक चलता ही रहता है। तो कल मैं उसको कह रहा था, देखिए ट्रेडमिल जो है ठीक है वेट लॉस करने के लिए, जब लेकिन जब ज़्यादा आप एक्स्ट्रा कार्डियो करेंगे तो आपकी मसल लॉस भी होती है साथ में, उसको मेंटेन करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। और वेट ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, बॉडी की जो टोनिंग है, एक शेप आती है वेट ट्रेनिंग करने से, और डबल इम्पैक्ट कार्डियो के साथ साथ जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो डबल इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होता है, और हेल्दी वेट लॉस होता है जिसको बोलते हैं, साथ में हमारी जो मसल्स हैं वो भी इम्प्रूव करती हैं। भाई जैसे मैं पहले भी 1-2 बार जब मैंने बिल्कुल शुरू में ब्लॉग्स डालने स्टार्ट किए थे, तो कुछ भाई मेरे कह रहे थे कि भाई ड्राइव करते हुए
मत बनाओ व्लॉग और ये, भाई देखो जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं तब डालूँगा, ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट करो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि काम इस तरीके का है मेरा कि काम पे करनी भी नहीं चाहिए व्लॉगिंग, मुझे ऐसा लगता है काम के टाइम पे काम पे ही फोकस होना चाहिए। तो खाली टाइम भाई मेरा यही होता है, या तो मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तब मैं फ्री होता हूँ, या मैं रनिंग के बाद 10-15 मिनट तब फ्री होता हूँ, बाकी दिन मेरा थोड़ा सा मतलब एक पेस पे चलता ही रहता है। तो अब उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग करूँ तो टाइम भी नहीं है, और जो बाकी का शेड्यूल है वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो ये बातें भाई, तो अभी मैं अपने काम पे पहुंचने वाला हूँ, आपसे बात करते करते मैं पहुंच भी गया हूँ, और काम से फ्री होके जिम जाते हुए आपसे बात करेंगे। अभी आज की रनिंग मेरी हो गई है, और हाँ एक मेरा फ्रेंड है, अभी कुछ दिन से उसने मेरे को यूट्यूब पे मैसेज करने स्टार्ट किए हैं, बहुत मेरे को लग रहा है कि भाई फिटनेस में आने के लिए ज़बरदस्त तरीके से वो मोटिवेटेड है। सिंपली गुलशन, गुलशन भाई आपको भी राम राम। तो इनकी काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं, अभी इन्होंने मेरे से पूछा था कल कि भाई नींबू पानी कैसे बनानी है, आज मैंने शॉर्ट्स में बनाया, थोड़ी सी क्लिप बनाई है उस चीज़ की। देखिए जो एक्सरसाइज के बाद मैं जो नींबू पानी पीता हूँ उसका, उसकी जो रेसिपी है वो क्या है कि रात को मैं फिग्स यानी अंजीर जो होते हैं उनको भिगो के रख देता हूँ, 4 से 5 अंजीर होते हैं उनको भिगो के रख देता हूँ, और मुनक्का 10-12 मुनक्का है उनको भिगो के रख देता हूँ। मुनक्का डायरेक्ट नहीं खाने हैं, भिगो के खाने हैं आपको, सुबह तक वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं। अंजीर का पानी तो डायरेक्ट ले लेते हैं हम शेकर में, और जो मुनक्का है उसको कपड़े में डाल के क्रश करते हैं, बार बार डुबो के क्रश करेंगे, फिर उसको डुबोएंगे, फिर क्रश करेंगे कपड़े के अंदर, उससे उसका जो जितना भी रस है वो पूरा उस पानी में मिक्स हो जाएगा, और फिर उसको उस अंजीर के पानी के साथ डाल देना है, और ऊपर से एक नींबू जो है वो निचोड़ देना है। ये भाई लेमन वाटर बन जाता है, और आपको चीनी नहीं मिलानी है, ना नमक मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है इसमें, सिर्फ जो जो ये फ्रूट ड्राई फ्रूट्स हैं इनका पानी और नींबू। और एक्सरसाइज के तुरंत बाद बीच में भी आप ले सकते हो कि एक सिप करके, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है, और अगर खाली पेट लेते हो तो आपके डाइजेशन को ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करेगा और स्ट्रेंथ भी देगा आपको। तो इस चीज़ को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और इसका आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। तो ये वही नींबू पानी की रेसिपी है। और शुरू में मैं क्या करता था कि एक्सरसाइज रनिंग करने से जाने से पहले पी लेता था इसको, अब जब मैंने नोटिस किया, बॉडी ने जब रिस्पॉन्स दिया इस चीज़ को लेके, तो होता क्या है कि जब पानी ज़्यादा पी लेते हैं हम, या पानी पी के जब रनिंग करते हैं, और पानी पीने में और रनिंग के बीच में मुश्किल से 10 मिनट का ही गैप होता था मेरा, तो फिर पानी वो पेट में जंप करता है, मेरे पेट में करता था, तो मैंने वो चीज़ अब बंद कर दी है, मैं एक्सरसाइज के बाद ही उसको पीता हूँ, और घर से निकलने से पहले मैं कुछ भी नहीं लेता, कोई पानी नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल खाली पेट होता है मेरा, और पूरी रनिंग करने के बाद उसके बाद फिर मैं ये नींबू पानी लेता हूँ। तो आप अपनी बॉडी को सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि आपकी बॉडी आपको बताएगी चीज़ें, आपको बस जो है उस उन चीज़ों को नोटिस करना है। देखिए सब, हर किसी की बॉडी जो है अलग है, आप एक तरीके का रूटीन, एक तरीके की एक्सरसाइज, एक तरीके का सारा सब कुछ सिस्टम नहीं बता सकते। हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है, वो हर कोई करता है, ठीक है, वो सबके लिए यूनिवर्सल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी जब आप करोगे तो रिस्पॉन्स देगी उन चीज़ों को लेके, खाना हुआ, एक्सरसाइज हुई, और इस तरीके की जो रिएक्ट करती है बॉडी, जो आउटर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको लेके, तो उन चीज़ों को नोटिस करना है और अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस भी कर लेने हैं। ये नहीं है कि जो बता दिया वो फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अपनी बॉडी के हिसाब से आपको चेंजेस कर लेने हैं। तो
ये बातें भाई, अभी पहुंचने ही वाला हूँ मैं। जस्ट सुबह 8 बजे से पहले मेरे को पहुंचना होता है, और भाई जॉब भगवान की दया से बढ़िया फर्स्ट क्लास है। 2 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ, 2:30 बजे, और उसके बाद मेरा पूरा दिन फ्री होता है। मैं एक्सरसाइज करूँ, कहीं भी जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, कुछ भी करूँ, एकदम फ्री रहता हूँ मैं 2:30 बजे के बाद। तो 2:30 बजे के बाद मैं अपना, अगर मेरा कोई काम है घर पे, तो मैं सीधा घर निकल जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम को जिम चला जाता हूँ, और कोई काम नहीं है 2:30 बजे के बाद तो फिर मैं डायरेक्ट जिम चला जाता हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहता है दिन का, और शाम को घर जाके अपना खा पी के जल्दी सो जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे तक मैं सो जाऊँ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के लिए आपको 10 बजे सोना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। जिस तरीके का अगर आपको एक्सरसाइज और रूटीन चलाना है, तो उसके लिए आपको रेस्ट ज़रूरी है रिकवरी के लिए। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे प्रॉपर, तो रिकवरी नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज और डाइट के साथ साथ आपको रेस्ट पे भी पूरा फोकस करना है। तो 6 घंटे की नींद के लिए आप अपना थोड़ा भाई रूटीन बनाएं, और जो हमारी रिकवरी होती है हो भाई, इसी टाइम होती है, सोते टाइम ही, रेस्ट के टाइम। तो पहुंच गया हूँ भाई मैं दोस्तों, और जिम जाते हुए आपसे फिर दोबारा से एक बार बात करेंगे। और फिर जिम में जाके आज थोड़ा एलोबरेट में थोड़ा थोड़ी लंबी वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज की। और ये भी चक्कर है, अब मेरी बात जब मेरा भाई कह रहा था कि भाई तू एक्सरसाइज के टाइम पे बता ना कैसे कर रहा है एक्सरसाइज, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। भाई मैं बता तो दूं, लेकिन पीछे गाने चलते रहते हैं। मैंने उसको यही बताया, मैंने कहा पीछे गाने चलते रहते हैं, और मैं अगर उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा तो कॉपीराइट आ जाता है। मेरे को पहले नहीं पता था इन चीज़ों का, लेकिन वही है, जब हम करते हैं कुछ चीज़ें तब हमें इन चीज़ों का पता चलता है। तो कॉपीराइट आने से फिर वो वीडियो हटानी पड़ती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन कोशिश करेंगे हम, आज मैं वीडियो डाल के बाद में आवाज़ रिकॉर्ड कर दूंगा। और आपके देखो भाई, मैं हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और अपनी हेल्थ के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन जो फ़ायदे मुझे हुए हैं, ये फ़ायदे आपको भी हों, इस चीज़ के लिए मैं, मेरा पूरा ध्यान है। तो करते हैं कोशिश, और देखते हैं भाई आपका रिस्पॉन्स। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स मतलब अगर आप मेरी बताई हुई बातों को, सिर्फ आपको लग रहा है फ़ायदा हो रहा है, तो आप भाई कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मैं और अच्छा आपको, और अच्छे से अच्छी वीडियोस के थ्रू आपको बातें बताने की कोशिश करूं एक्सरसाइज और हेल्थ से रिलेटेड। तो अब मैं गया हूँ पहुँच, और मिलते हैं भाई जल्दी आपसे दोबारा, काम से फ्री हो गए। तो भाई दोस्तों, काम मेरा हो गया ख़त्म आज का, और घर का आज कोई काम है नहीं, तो मैं जा रहा हूँ सीधा जिम। तो जिम जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, और आज मैं करूँगा आर्म्स की एक्सरसाइज, क्योंकि कल मेरी जो एक्सरसाइज थी वो थी शोल्डर की। तो 5 दिन का बेसिकली मेरा जो शेड्यूल है वो चल रहा है, 5 दिन के अंदर मेरा, मेरी एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। पहले दिन सबसे पहले मैं शुरू तो लेग से ही करता हूँ, उसके बाद फिर मैं लगाता हूँ चेस्ट, पुशिंग मूवमेंट है चेस्ट की जो एक्सरसाइज होती है। उसके बाद मैं पुलिंग मूवमेंट्स लेता हूँ, उससे नेक्स्ट डे होती है बैक, जिसमें सारी पुलिंग्स मूवमेंट होती हैं मैक्सिमम। उसके बाद मैं फिर शोल्डर लगाता हूँ, जिसमें फिर पुशिंग मूवमेंट्स होती हैं, और फिर मैं लगाता हूँ आर्म्स, जैसे आज है इसमें भी पुलिंग मूवमेंट्स हैं। तो पुश पुल का जो है ये सीक्वेंस चलता है, और बीच में आते हैं एक दिन आर्म्स, लेग्स, बीच में आते हैं एक दिन लेग्स। तो ये शेड्यूल है भाई मेरा एक्सरसाइज का। और लेकिन अब जैसे थोड़ा वेट बढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ी है लिफ्टिंग हैवी कर रहा हूँ, तो अभी बॉडी, क्योंकि अभी मुश्किल से 1 ही वीक हुआ है इस 5 दिन वाले रूटीन में हैवी लिफ्टिंग करते हुए। लाइट वेट से तो मैं, मेरा पूरा यही रूटीन चला है 5 डेज का ही, लेकिन हैवी लिफ्टिंग में अभी 1 वीक हुआ है, और अभी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा है। 2-4 पुरानी इंजरीज हैं जो हैवी लिफ्टिंग जब करते हैं तो वो थोड़ा उभर के आती हैं, थोड़े जॉइंट्स की इंजरीज हैं, लेकिन अभी कोई ख़ास डिस्कम्फर्ट है नहीं, तो ठीक ठाक चल रहा है, और बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है।
तो इसी पे हमारा फोकस रहेगा 5 डे पे। और आगे अगर कुछ दिक्कत होती है तो फिर मैं इसमें थोड़ा चेंज करूँगा। अभी रेस्ट डे कोई मेरा होता नहीं है, पूरे 300 दिन में मेरा कोई रेस्ट डे नहीं हुआ, और आगे भी रेस्ट डे तो होगा नहीं। एक होता है एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट में क्या करते हैं हम, रेस्ट लिफ्टिंग से रेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हम ज़रूर करते हैं। जो रनिंग है वो तो हमारी होगी ही होगी, उसमें तो कोई रेस्ट है ही नहीं। जो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग रनिंग करता हूँ मैं 5 किलोमीटर की, वो तो होगी ही होगी। लेकिन शाम का जो वेट लिफ्टिंग का जो शेड्यूल है, उसमें एक दिन मैं एक्टिव रेस्ट का डालूँगा, अगर बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्स देगी उसके अकॉर्डिंग। और एक्टिव रेस्ट में फिर जो शाम का जो वर्कआउट होगा वो वेट लिफ्टिंग ना करके हम थोड़ा फोकस करेंगे स्ट्रेचिंग या बाकी एक्सरसाइज पे। तो देखते हैं, अभी तो खैर यही चलेगा मेरा जो रूटीन है, किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्स करती है। और आपको भी अपनी बॉडी की सुननी है, आपको ज़्यादा तोड़ना नहीं है। अभी पीछे एक भाई का मैसेज आ रहा था, कह रहा था ओवर ट्रेनिंग करते हो आप। देखो, ओवर ट्रेनिंग के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो बॉडी बताती है। एक तो आपको इंजरीज जो हैं वो बार बार होंगी, दूसरा क्या होगा, ओवर ट्रेनिंग करने से थका हुआ फील करोगे आप, फटीग रहेगी आपको। और जो एक एक्सरसाइज का जो मन करता है, मन टूट जाएगा आपका एक्सरसाइज से। तो ये कुछ साइंस हैं जो ओवर ट्रेनिंग के होते हैं। तो आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, स्मार्ट ट्रेन करना अपनी बॉडी को। तो यही बात है भाई, पहुंच रहे हैं जिम। उससे पहले मेरे को लेने फ्रूट्स, तो फ्रूट मेरे ख़त्म हो रखे हैं, खासकर जो एप्पल है। एप्पल मेरा डेली 2 एप्पल तो है ही, एक एक्सरसाइज के बाद और एक सुबह सुबह स्मूदी में। अब जो मेरा फ्रूट वाला है वो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है यहाँ, तो किसी दूसरे से लेने पड़ेंगे। चलो करते हैं भाई। किस रेट में है भाई सेब? कौन सा है, वाशिंगटन है? हाँ भाई, ये महंगे ही देगा, क्योंकि जो मेरा जिससे मैं लेता हूँ उसके रेट फिर भी ठीक है, लेकिन लेना है तो लेना है भाई। लेते हैं भाई एप्पल और फिर करते हैं आपसे दोबारा बात। तो भाई सेब ले लिए हैं और अब जिम की तरफ, 2-4 मिनट का रास्ता हो रहा है, पहुँच जाएंगे जिम हम। तो भाई एक फ्रेंड जो है वो मेरा पूछ रहा था कि भाई जिम की फीस कितनी है एनी टाइम की। देखिए, इनके ऑफ़र आते रहते हैं टाइम टू टाइम, और अभी जैसे 15 अगस्त आ रहा है तो इस पे भी इनका जो इंडिपेंडेंस जो ऑफ़र होता है अच्छा होता है, आप ले सकते हो उसको। और इस जिम का मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा यही लगता है कि आप किसी भी टाइम जाके इसमें एक्सरसाइज कर सकते हो, और जगह जगह जो है इसकी ब्रांचेज हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे करनी है, ये तो बातें आपको खैर पता ही होंगी। इवन आउट ऑफ इंडिया भी अगर आप जाते हो, आपके बाहर लगते हैं टूर वगैरह, तो आप वहाँ पे भी ये फैसिलिटीज़ जो जिम की हैं ये अवेल कर सकते हो। तो अच्छा है और साफ़ सुथरा है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है, मेरे को ठीक लगता है यहाँ पे। थोड़ा रश होने लग गया है शाम के टाइम, लेकिन जब तक रश होता है तब तक मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि वही घर जाके मेरे को जल्दी सोना भी होता है। तो चलते हैं जिम और आपको एक्सरसाइज जो है मैं आज की दिखाता हूँ। उस टाइम बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि फिर वही चक्कर है, मन तो मेरा करता है कि मैं आपको सही उसी टाइम जिस टाइम मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ प्रॉपर फॉर्म के साथ आपको दिखा दूँ। अब जैसे हाँ, एक चीज़ और कि अब थोड़ा सा जब हैवी लिफ्टिंग होती है या ज़रूरत से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं उठाने की, जितना हम वेट उठाते आ रहे थे, तो हल्की सी फॉर्म जो है वो ख़राब होती है, थोड़ी सी चीटिंग होती है। जो नए हैं बंदे, जो नए बच्चे हैं या नया कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाह रहा है, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए चीटिंग ठीक नहीं है। लेकिन जो पहले से लगातार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनको पता होता है कि कितनी करनी है और कितनी नहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। अब मेरे में थोड़ी सी चीटिंग चलेगी, क्योंकि लिफ्टिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है और काफ़ी टाइम से मैं कर भी रहा हूँ एक्सरसाइज, तो मेरे को पता है कहाँ पे किस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन जो नए हैं अगर वो इस चीज़ में घुसेंगे तो
दोनों ही बातें होंगी, एक तो इफेक्ट कम आएगा मसल पे और दूसरा इंजरी होने के चांस रहेंगे। तो ये है इसका, ये देखिए भाई, जिम दिखाता हूँ आपको, ये वही सामने जिम है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है मेरे को, हार्डली काम से निकलने के बाद मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगती हैं अगर रास्ता क्लियर है तो। यहाँ पे ऊपर ये जो नेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जिम है, तो आराम से आ जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। पार्किंग वगैरह की भी यहाँ कोई इतनी खास समस्या है नहीं, तो ठीक रहता है। ये यहाँ पे भाई शॉपर स्टॉप है भाई, लगा लूंगा लगा लूंगा भाई। अच्छा एसी बैठना तेरे को भाई, गर्मी हो ही रखी है। ये भाई यहाँ गाड़ी का ध्यान रखते हैं दोनों भाई, अनिल और ये। पहले मैंने आपको अभी वीडियो देखी है मैंने आपकी कौन से वाली खेत भाई, जिसमें आप अभी खेत में काम करने जा रहे थे। में काम करने तेरे को पता है अभी वीडियो बन रही है, पता है तेरे को? ये देख, तो वीडियो में आ रहा है देख। भाई लेकिन मस्त है भाई वो वाली, बढ़िया थी भाई, काम सारे आते हैं हमें, ठीक है, भाई और आप भी करते भी करते हैं, हो क्या कभी बार? किए भी हैं और आते भी हैं, अच्छा ठीक है भाई, कभी मेरे को भी लेके चलो भाई, मैं भी वो मेहनत करना आ चाहता जाए, हूँ तेरे थोड़ी को मेहनत कराता हूँ मैं, भाई क्योंकि यहाँ पे ना ठीक थोड़ी है। आराम की ज्यादा लगती है। हाँ भाई आदत खराब हो गई है तुम्हारी, दारू ने भाई ज्यादा ही कर दिया भाई, ये 9 दिन के अंदर अंदर पता लग गया भाई मेरे को। अच्छा जल्दी समझ में आ गई तेरे के को, चक्कर में जब से बंद है ना भाई, पता कितना दर्द हो रहा है इस टाइम यहाँ, क्या दारू तूने बंद कर दी है? हैं भाई सावन में नहीं पीता ना कभी, अच्छा सावन में नहीं पीता, क्यों सावन में क्या, किसने क्या बिगाड़ा है भाई, भाई पिछली बार पीने वाले के लिए क्या सावन है? बोला बाबा से भाई कुछ मांगा था भाई उसने किया, फिर भाई को इसलिए मैं सावन में कभी आते रहा था भाई। अच्छा लो भाई, सावन में नहीं पीता, बाकी पूरे साल पीता है दबा के। भाई ये तो भी मैं सही, बंद करूंगा भाई इसको, तू टेंशन मत ले, तू बंद नहीं करेगा ना तो ये तेरे को बंद कर भाई देखिए देगी, भाई ये 9 दिन में भाई ठीक पता है, लग रहा है दर्द ये कहाँ है, तेरे को बंद कर देगी, या तो तू बंद करेगा इसे या ये तेरे को बंद करेगी, एक काम पक्का होना है। भाई नहीं मैं खुद ही बंद करूंगा भाई, मैं वो बंद कर रहे उससे पहले मैं खुद ही कर देता हूँ भाई, हाँ वो बढ़िया रहेगा अगर खुद बंद कर देगा तो। भाई अनिल कहाँ पार्किंग गया? नहीं है भाई, भाई अनिल कहाँ गया? अभी तो पार्किंग गया था, उसके बाद आया नहीं अभी तक, वो भी एसी में बैठा होगा। हाँ भाई वो नेक्स्ट ले वीक तेरे आएगा लिए, भाई, तेरे लिए स्टार्ट छोड़ रहा हूँ मैं गाड़ी, बैठ जा आराम से, सुस्ता ले। तो भाई गर्मी बेहद हो रखी है भाई, इनको भी गर्मी लगती है बेचारों को, बेचारे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो चलते हैं भाई दोस्तों जिम में, और ऊपर जाके बात करते हैं आपसे, एक्सरसाइज दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये मेरे जिम का रास्ता है, और ये नीचे शोरूम है गाड़ियों का, और ऊपर ही है जिम, ये जिम है भाई। तो चलते हैं भाई जिम में और करते हैं आज की एक्सरसाइज। ये रास्ता है भाई यहाँ का, ये भाई यहाँ की एंट्रेंस है जिम की, ये मालिक खड़ा है भाई। आप उधर की वीडियो बना रहे हो, मैंने इधर की बना दी। क्या हाल है और सही?
भाई दोस्तों एक्सरसाइज मेरी आज की हो गई है और अच्छी एक्सरसाइज रही। तीन तीन एक्सरसाइज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की लगाई आज मैंने। वैसे तो मैं हर बार जो है अल्टरनेट लगाता था, एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, लेकिन आज पहले तीन एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की लगाई हैं और तीन एक्सरसाइज फिर बाइसेप्स की लगाई हैं और दो एक्सरसाइज लगाई फिर फोर आर्म्स की। तो तीन और तीन छः और दो आठ काफ़ी है, छोटी मसल है, इसको ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वेट थोड़ा ज़्यादा उठा रहा हूँ मैं अपनी कैपेसिटी से जो मैं नॉर्मल उठाता था। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप वेट बढ़ाने के लिए जा रहे हो, थोड़ा मसल मास गेन करना चाहते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हुए ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। तीन तीन एक्सरसाइज बहुत हैं और तीनों ही एक्सरसाइज काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हैं, बाइसेप्स की भी ट्राइसेप्स की जो मैंने आज की हैं। तो आपको क्या ध्यान करना है, आपको ध्यान ये करना है कि जब ये आप एक्सरसाइज करोगे, मेरी जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज होती है इसमें ज़्यादातर जो है न्यूट्रल ग्रिप होती है, ये वाली न्यूट्रल ग्रिप मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि भाई मेरे को जो है गोल्फर एल्बो की दिक्कत है, जो मेरे से एक फ्रेंड ने पूछा भी था कि भाई आप ये यहाँ पे जो मैं बैंड बांधता हूँ ब्लैक कलर का वो क्यों लगा रखा आपने, तो वो इसीलिए लगा रखा भाई क्योंकि मेरे को जो है दिक्कत हो जाती है जब मैं इस ग्रिप से एक्सरसाइज करता हूँ ना। तो अगर आप में से भी किसी को दिक्कत है, यहाँ पे आगे की तरफ तो होती है टेनिस एल्बो और यहाँ पीछे की तरफ एग्जैक्टली यहाँ पे होती है गोल्फर एल्बो, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत है जब मैं हैवी लिफ्टिंग करता हूँ उस टाइम। वैसे नॉर्मल वेट ट्रेनिंग जब करता हूँ तब दिक्कत नहीं होती, तो इसीलिए मैं प्रिकॉशन के तौर पे वो बैंड लगाता हूँ। तो ये रीज़न है भाई बैंड का और न्यूट्रल ग्रिप का। आप इसमें ये वाली ग्रिप भी यूज़ कर सकते हैं, एक हैमर जो है आपको न्यूट्रल ग्रिप से करनी है, बाकी दोनों एक्सरसाइज जो हैं आपको ये वाली ग्रिप से, ठीक है। और एक जो है एक्सरसाइज मैंने वो ये रिवर्स ग्रिप से भी लगाई है, इसमें आपके बाइसेप्स के साथ साथ आपके फोर आर्म्स भी ट्रेन होते हैं। तो तीनों ही एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज थी और ऐसे ही जो हमारी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज थी वो भी तीनों ही एंगल से हमने ट्राइसेप्स को हिट किया है, तो अच्छी एक्सरसाइज रही भाई। और अब घर जा रहा हूँ मैं, घर पहुँच के भाई खाना खाऊँगा मैं, रोटी सब्जी जो भी बनी होगी वो, और रात को अभी मैंने कल से ही दूध स्टार्ट किया है, तो एक गिलास डेढ़ गिलास के आसपास दूध ले सकते हैं जो वेट गेन के लिए जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लीन बल्क बोलते हैं इसको जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बल्किंग में क्या है कि आप फैट ज़्यादा जमा कर लेते हो, लेकिन लीन जो बल्क होता है इसमें थोड़ा मसल मास बढ़ता है, इसमें मसल मास बढ़ता है आपका और थोड़ा मसल का साइज़ भी बढ़ता है, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी की। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एक्सरसाइज है या ये जो रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ अब, इसमें थोड़ा सा गेन करूँगा मैं। तो यही आज का मेरा शेड्यूल था भाई, और जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको अभी दिखाई हैं आप इनको फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हैं, तो इनको कीजिए आप। और भाई अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यही बातें भाई, अब मैं जाता हूँ घर और करूँगा रेस्ट, और कल अब आपसे मिलते हैं दोबारा से नए व्लॉग के साथ। अब डेली में एक बड़ा व्लॉग जैसे मैंने आपको पहले बताया डालूँगा, और भाई फीडबैक ज़रूर दे देना भाई दोस्तों, आपको कैसा लगा ये, और कोई इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हो, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड मैं करूँगा अभी घर जाके इसके एक्सरसाइज के साथ साथ। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बता सकूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अपनी फिटनेस को अच्छे से इम्प्रूव कर सको। तो अभी भाई 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा घर, उसके बाद अब आपसे कल ही मिलेंगे हम, कल हमारी मुलाकात होगी। तो आ जाना भाई कमेंट सेक्शन में, और जैसा शॉर्ट्स में कर रहा हूँ मैं आज की शॉर्ट्स कल, ऐसे ही आज का व्लॉग कल,
क्योंकि भाई एडिटिंग में टाइम लगता है इसीलिए। और मैं ज़्यादा काट छाट करूँगा नहीं, क्योंकि लंबे व्लॉग हैं तो भाई इनको देखना अपने आप में एक टास्क है, और उसको देख के फिर वो सारी चीज़ें भाई आप एडजस्ट कर लेना। तो जिनको भी फ़ायदा उठाना है भाई, आप लगातार व्लॉग्स देखिए और इसके टच में आ जाइए, मेरे टच में आ जाइए, और एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए अगर नहीं की है तो। आपने डेली आपसे मिलना होता रहेगा, जैसा भी टाइम मिलेगा उसके हिसाब से ही। इन्हीं बातों के साथ भाई जल्दी दोस्तों आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। ये गाय माता आ गए भाई रास्ते में।